नाम मेरा शाहगुल मीर है, तलब मेरा यूनियन कश्मीर से है। 15 साल से फ्रूट बेच रहा हूँ, बस गुजारा हो रहा है, आमदनी इतनी नहीं है, बस निज़ाम गरम गरम भी है। बचपन से पता चला है, बचपन में उनका पता चला था दिल्ली में सुराख जी, 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 फिर चेक करते रहे, फिर बोला 12 साल की होगी, ऑपरेशन करेंगे। फिर 2 साल हो गए मैं आता हूँ, ऑपरेशन नहीं हो रहा। शमला गुल हालत बिगड़ रही है, सांस का भी मसला है और कमज़ोर हो रही है, पढ़ी नहीं रही। क्यों? घर में वो इस दिल का मसला है। 4 बच्चे हैं मेरे, पढ़ रहे हैं 3, 2 बेटियाँ 2 बेटे। जो बीमार बेटी है वो नहीं पढ़ पा रही है? वो नहीं पढ़ रही, स्कूल नहीं जा पाती, क्या मसला है? स्कूल जा रही थी लेकिन नहीं पढ़ सकती है। डॉक्टर ने कहा 12 साल से ऊपर होगी तो इलाज शुरू करेंगे। फिर मैं आता रहा हूँ, अलशफा में भी गया, वो रावर रोड पर गया, कम्प्लेक्स गया, तो उधर वो पैसा मांग रहे हैं, इंसाफ कार्ड भी मिला हुआ है, वो भी ये नहीं चल रहा है। मसला कोई पता नहीं है, वो बताते हैं बस ये करेंगे वो करेंगे, फिर एंड पर बोलते हैं भाई पैसा दो, 5 लाख रुपए खर्चा है, 9 लाख रुपए मांगे अरशफा वाले। टैक्स वालों ने मांगा 4.5 लाख ट्रैवल अस्पताल। 3 साल हो गए मैं फिर 3 साल से आप दर दर की ठोकरें खा रहे हैं जी, जी। बच्ची की हालात भी बिगड़ी हुई। अच्छा ये बताएं कि ये जो आपके हाथ में इंसाफ कार्ड है ये तो 2022 तक चलेगा, तो क्यों नहीं हो रहा इससे? कोई समझ नहीं आ रही है, ऐसे वो चलाते ही नहीं है। क्या बताते हैं? बोलते नहीं चल रहा है। तो इसका हाल आपने किसी से रابطہ किया है? डॉक्टरों के साथ रابطہ किया है, कुछ भी हाल नहीं निकला। तो ये जहाँ से आपको इंसाफ कार्ड मिला था यहाँ पर किसी दफ्तर में? G92 से मिला है। G92 जाके आपने बात की, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बोला चल रहा है, फिर वो कार्ड पर वो मैसेज वो फ़ोन कर रहा हूँ वो उठाते ही नहीं है नंबर। हुकूमत से ये इंसाफ तो और क्या, इलाज होना चाहिए, सेहत कार्ड भी है। तो सेहत कार्ड पर इलाज क्यों नहीं हो रहा है? मुझे क्या पता है, अभी डॉक्टरों ने बताया भाई नहीं हो रहा, 1.5 साल पहले मिला है सेहत कार्ड। इमरान खान के साथ ये मुतालबा है तो ये कार्ड नहीं चल रहा है, वो कोई इसका हल निकाले। नीलम वालों ने इधर भेज दिया है मुजफ्फराबाद अस्पताल, CMH वालों रेफर किया हुआ। तो CMH वाले क्या कहते हैं? उन्होंने बोला उधर जाओ पिंडी में हो जाए, पिंडी वालों ने बोला 5 लाख रुपए दो, रावर रोड वालों। बमलाज मुझे क्या पता है, मैंने दिखाया कार्ड, उन्होंने बोला कार्ड ही नहीं चल रहा है। नहीं नहीं कुछ भी नहीं, इधर तो घर का खर्चा पूरा नहीं हो रहा है, वो भी कर्जा चढ़ा हुआ है 3-4 लाख रुपये मंडी वालों का, इसका काम ही कोई नहीं चल रहा है। बस इलाज होना चाहिए तो और क्या, कार्ड चलना चाहिए, 7 लाख तो लिखे हैं लेकिन चल नहीं रहे। उधर मैं गया वो चैना चौक, वो जो ऊपर वो मजल में क्या इंश्योरेंस वाले, उनके पास भी गया हूँ, उन्होंने लिख कर दिया है, फिर नंबर दिया लिख कर, बोला कॉल करना, फिर वो कॉल की अटेंड ही नहीं कर रहे हैं, उन्होंने बोला है अच्छा चलेगा, फिर क्यों नहीं चल वाले बोल रहे हैं भाई नहीं चल रहे हैं।